लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 35 ऑफ एक्सरसाइज 6B, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. क्वेश्चन नंबर 35 इज अ लाइन इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एट द पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली. ये डायग्राम के थ्रू ही समझा सकती हूँ. देखिए वो कह रहा है एक ग्राफ है, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, राइट. अब क्या कह रहा है कि वाई एक्सिस को तो पी पॉइंट टच कर रहा है और एक्स एक्सिस को क्यू पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है रेस्पेक्टिवली. तो हमारी ये लाइन समझिए, ये एक लाइन है ऐसे करके कुछ. तो यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है ये पी पॉइंट आ रहा है और ये क्यू पॉइंट आ रहा है, ये कह रहा है. और ये कह रहा है इफ 2 and -5 इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू. अगर ये कोई एक पॉइंट है ए मान लीजिए, जिस जो है 2 and -5, राइट. ये मिड पॉइंट है पी क्यू का, इसको मैंने ए मान लिया है, तो यहाँ पे भी ए लिख देती हूँ. आगे क्या कह रहे हैं, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्यू. और हमें इस पी क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने. तो कैसे निकालेंगे, अगर आप देखें ये वाई एक्सिस पे है तो यहाँ पे वाई की तो कुछ वैल्यू होगी लेकिन एक्स की कोई वैल्यू नहीं होगी, एक्स जीरो होगा, मैंने आपको पहले भी बताया. इसी तरीके से क्यू पॉइंट पे वाई जीरो होगा और एक्स की कुछ वैल्यू होगी, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया, एक्स एंड जीरो. तो एज पी पॉइंट इज एट वाई एक्सिस सो इट्स कोऑर्डिनेट्स आर 0y एंड सिमिलरली. मैंने यहाँ लिखा है कि P पॉइंट y एक्सिस को टच करता है तो उसके कोऑर्डिनेट 0y हैं, और उसी तरीके से Q पॉइंट इज एट x एक्सिस सो इट्स कोऑर्डिनेट्स आर x 0, राइट. उसके कोऑर्डिनेट x 0 है. अब हमें पता है A क्या है, मिड पॉइंट है, एंड A इज अ पॉइंट, A इज अ मिड पॉइंट ऑफ PQ का मिड पॉइंट है. तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, देखिए अब मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख रही हूँ. X1 हमारा हुआ P का पॉइंट, दैट इज 0. Y1 हुआ हमारा Y. X2 हुआ हमारा Q का पॉइंट X, और Y2 हुआ हमारा 0. और हमने A पॉइंट को हमने X या Y जो मानते थे, अब मैं A और B मान रही हूँ 2, और B है हमारा -5. क्यों मान रही हूँ, क्योंकि ये X और Y यहाँ पे दे रखे हैं, कभी आप कन्फ्यूज़ हो जाएं, राइट. तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता था, A निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, दैट इज X1 प्लस X2 अपॉन 2. अब A दे रखा है हमने 2, अब इधर देखिए A दे रखा है हमारा 2, X1 है 0 और X2 है X अपॉन 2. ये इधर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 2's are 4, X में 0 ऐड होगा तो X आ गया, तो X आ गई हमारी 4. इसी तरीके से B निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, दैट इज Y1 प्लस Y2 अपॉन 2. अब B कितना दे रखा है, B दे रखा है -5. Y1 कितना है हमारा, Y है और Y2 0 है, Y प्लस 0 अपॉन 2. ये इधर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया, 5 2's are 10 माइनस का इक्वल्स टू Y. तो हमारा X और Y की वैल्यू आ गई कि X है हमारा देखिए 4 और Y है हमारा -10. तो हमारे P कोऑर्डिनेट कितना आ गया, P कोऑर्डिनेट आ गया हमारा P कोऑर्डिनेट था 0 y, तो दैट मीन्स 0 and -10. और Q कोऑर्डिनेट आ गया हमारा जो कि था X 0, तो वो आ गया 4 and 0 इज द आंसर.